अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हाशमी पेट नीड्स द कंप्लीट पेट शॉप। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांडेड पेट फूड्स एंड एक्सेसरीज लाइक रोल्स, रॉयल कैनिन, विस्कास, पेडिग्री एंड मेनी मोर लीडिंग ब्रांड्स। हाशमी पेट नीड्स बिसाइड हाशमी ब्रदर्स मेगा सुपर मार्केट न्यूटाउन महबूब नगर। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विसेज इन होलसेल प्राइसेस। FSIT सिक्योरिटी सिस्टम्स अपोजिट चाचा बुट्टा मस्जिद महबूब नगर। साबिक सदर जमहूरिया हिंद बाबाए मिसाइल व भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के 91वें यौम पैदाइश के मौके पर आज कुल जमाती मुस्लिम राबता कमेटी की जानिब से मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर की क़ियादत में कुल जमाती कायदीन जिसमें अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, मोहम्मद अब्दुल रहमान सदर नशीन ज़राई मार्केट कमेटी, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर ज़िला यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्ला हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, मोहम्मद शब्बीर अहमद बल्दी फ्लोर लीडर TRS, मोहम्मद तकी हुसैन कोऑर्डिनेटर TUWJF मुतहदा ज़िला महबूब नगर, शेख अब्दुल्ला YSRCP, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग सदर मुस्लिम लीग, नासिर बिन अहमद बाबर शेख सदर महवी अकेडमी, मोहम्मद अब्दुल रहीम मीर महबूब अली खान फाउंडेशन, नुमाइंदा काउंसलर राशिद खान, अरशद अली एडवोकेट बल्दी कोऑप्शन मेंबर, खालिद नवेद जमात इस्लामी, यूसुफ बिन नासिर सिराज मुस्लिम लीग, हाफिज मोहम्मद इरफान वगैरह ने मुजस्मा अब्दुल कलाम वाकई न्यू टाउन पर गुलाए अकीदत पेश किया और डॉक्टर अब्दुल कलाम की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को याद करते हुए इनकी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के कौम के नौजवानों को तलखीन की। बाद अज़ा महकमा बल्दिया की जानिब से सदर नशीन बल्दिया के सी नरसिम्लू की क़ियादत में कमिश्नर बल्दिया प्रदीप कुमार, मोहम्मद शब्बीर बल्दी फ्लोर लीडर TRS, सैयद सादतुल्ला हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, राशिद खान नुमाइंदा काउंसलर, अरशद अली कोऑप्शन मेंबर व दिगर ने मुजस्मा डॉक्टर अब्दुल कलाम को गुलाए अकीदत पेश करते हुए खराज पेश किया। इस मौके पर कुल जमाती कायदीन ने सदर नशीन बल्दिया से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुजस्मा अब्दुल कलाम के सामने ट्रैफिक कॉन्स्टेबल की छतरी नस्ब करने के खिलाफ नुमाइंदगी की, जिस पर सदर नशीन बल्दिया के नरसिम्लू ने फौरी DSP महबूब नगर से फ़ोन पर बात करते हुए मुजस्मा के सामने से छतरी को हटाने के मुतालिक बात की और कुल जमाती कायदीन को तयकुन दिया कि वो इस छतरी को हटाने के लिए SP ज़िला से भी नुमाइंदगी करेंगे। ए अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम गारु एंतो गोप्प व्यक्ति उन्नतमैन व्यक्ति आयन साइंटिस्ट गारु राष्ट्रपति गारु आयन आदर्शंगा तीसुकोवालनि మంచి వ్యక్తి ఆయన ఏ అయితే ఆశయాల కొరకు మన భారతదేశం కొరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాష్ట్రపతిగా आज हमारे मुल्क भारत के मिजिल मैन कहलाने वाले साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम साहब का यौम पैदाइश के मौके पर हमने आज उनके मुजस्मे पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए खराज तहसीन पेश किया है। हमें फ़ख्र है कि मादर हिंद के ऐसे सपूत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और BJP जैसी फाजी ताकत हुकूमत ने भी उनको अपनी जानिब से उनको मुल्का फतह जमाना मुंतखब के सदर
दौरे जमहूरिया अब्दुल कलाम साहब की उम्र पैदाइश पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। यकीनन एक चीज़ ये महसूस कर सकते हैं आप, इल्म के ज़रिए ही कोई अच्छे से अच्छा ओहदा इस मुल्क में हासिल कर सकते हैं। बावजूद बीजेपी की हुकूमत के अब्दुल कलाम साहब की सारे कुल जमात के लीडर, टीआरएस के कायदीन, दूसरे भी कायदीन, एमआईएम के कायदीन सब आए। बड़ी खुशी की बात है, ये अब्दुल कलाम ही हैं जो सब मिलकर आए हैं उनके लिए। मैं आज के यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग अब्दुल कलाम आज़ाद इनके लाइफस्टाइल को स्टडी कीजिए। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन के तरफ से बहुत सारी चीज। आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राबता कमेटी की जानिब से ए पी जे अब्दुल कलाम साहब साबिका सदर जमहूरिया का यूम पैदाइश के मौके पर आज यहाँ तमाम पार्टियों के जिम्मेदार, तमाम पार्टियों के मुस्लिम कायदीन जमा हुए थे और आपके मुजस्मे को बुलाए अकीदत पेश किए और खराज तहसीन पेश किए। यकीनन आज ए पी जे अब्दुल कलाम साहब ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जो हिंदुस्तान को जो न्यूक्लियर पावर का पावर का दर्जा दिलाया और इससे पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। और एक चीज़ क्या है, हिंदुस्तान इस कदर ताकतवर हुआ उनकी वजह से, न्यूक्लियर पावर की वजह से, कि हिंदुस्तान की तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। तो ये उनका कारनामा है, ये सारा हिंदुस्तान। मुस्लिम कायदीन राबता कमेटी की जानिब से बाबा मिसाइल ए पी जे अब्दुल कलाम का 91 बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मौके पर यह पैगाम देने की कोशिश की गई है कि जिंदगी में हायर रुकावटें, मसलन गरीबी और तंगदस्ती कोई माने नहीं रखती। इंसान के अगर अजायम बुलंद है और मुझी को अगर पहचानता है तो वो अपने आप को बुलंद करते हुए अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सकता है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।